नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। यहां घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के बिराहिमपुर गांव में शनिवार सुबह एक पिता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा। इसके बाद दोनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दोनों नाबालिग थे। आरोप है कि आरोपियों ने युवक को उसके माता पिता की आंखों के सामने मारा। वे रहम की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। हालांकि आरोपी के दो भाई मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, बिराहिमपुर के रहने वाले शिवास ने शुक्रवार को पत्नी मीना के साथ बांदा स्थित ससुराल एक शादी में गए थे। देर रात 11 बजे शिवाश्रय की नाबालिग बेटी ने गांव में ही रहने वाले प्रेमी सालू को अपने घर पर बुला लिया। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के घर आने की भनक पड़ोस में रहने वाले लड़की के चाचा दीपक को लग गई। उन्होंने दोनों को घर पर दबोच लिया। इसके बाद हाथ पैर बांध कर दोनों को कमरे में बंद करके रात भर लाठी डंडों से पीटा। पिटाई से दोनों कई बार बेहोश भी हो गए। इसकी सूचना अपने भाई शिवाश्रय को दी। वे भी सूचना मिलते ही बांदा से लौट आए। शनिवार सुबह 7 बजे तीनों भाइयों ने मिलकर दोनों की कुल्हाड़ी और चॉपर से काट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही लड़की के पिता और उसकी मां लड़की के घर पहुंच गए। खिड़की से हाथ पैर जोड़कर चीखते चिल्लाते रहे कि वे उनके इकलौते बेटे को छोड़ दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसके बाद भी हत्यारों का दिल नहीं पसीजा और माता पिता के सामने ही दोनों को कुल्हाड़ी से काट डाला। थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही खटमपुर थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। मुख्य हत्यारोपी शिवाश्रय को दबोच लिया गया। मौके से कुल्हाड़ी और चापड़ भी बरामद कर लिया गया, जबकि हत्यारे दोनों चाचा मौके से फरार हो गए। शव की हालत देखकर गांव के लोगों का कलेजा कांप उठा। हर किसी की जबान पर एक ही बात थी कि कितनी बेरहमी से काटा है। इन्हें नाबालिग बच्चों पर जरा सी भी दया नहीं आई। गलती की थी तो एक बार माफी का मौका तो दिया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।